J26 क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप ये लास्ट के कुछ महीने यूज कर सकते हो 10th के, आज हम इसकी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अभी आपका लगभग नवंबर भी ऑलमोस्ट एंड होने ही वाला है और अपन मान के चलते हैं कि आपकी जेई प्रेप अप्रैल के मिड में चालू होगी। तो अपन नवंबर से लेकर मार्च तक का पीरियड अगर गिने तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 या मैक्सिमम 6 महीने आपके पास बचे हैं जो आपको यूज करने हैं अपनी अर्ली जेई प्रेप के लिए। तो अब इसको अपन कैसे डिवाइड करें, तो मेरे हिसाब से इसको अपन को डिवाइड करना चाहिए 2-2-2 या 3-2-1, ऐसे करना बेटर रहेगा। तो ये जो 2 महीने है ना, ये है आपके बोर्ड वाले महीने, जिसको मैं कहूंगा आपका फरवरी टू मार्च वाला पीरियड है, ठीक है। ये आपका बोर्ड एग्जाम है 10th का, ठीक है। ये 3 महीने कौन से हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और ये है आपका अप्रैल, ठीक है। अब यूजली जेई प्रेप जो होती है ना, कोचिंग में अप्रैल में शुरू हो जाती है, तो वो हमें पार्शली ही मिलता है। बोर्ड्स का जो पीरियड है फरवरी मार्च, ये हमारा पूरा का पूरा बोर्ड्स पर फोकस रहेगा। ध्यान से सुनिए, फरवरी और मार्च मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को पूरी तरह से बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्लास 10th के एग्जाम के नंबर होते हैं ना, वो बहुत रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो भले ही इस चैनल को सब्सक्राइब्ड है, वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते अपने स्कूल में। तो अगर आप वैसे टाइप के स्टूडेंट हैं तो आपको पहली बात स्कूल पे ध्यान देना ही है। और इवन इफ यू आर ब्रिलियंट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, अगर 10वीं में मार्क्स अच्छे होते हैं ना, वो हमें आगे कई जगहों पर हेल्प करते हैं सच में। मतलब जैसे इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको आगे जाके जैसे IIMs में एडमिशन लेना है, वहां पे तो डायरेक्टली क्लास 10 मार्क्स का एक क्राइटेरियन रहता है, ठीक है। इसके अलावा भी फॉरेन एप्लीकेशंस वगैरह कई जगहों पर क्लास 10th के नंबर आपके बुरे नहीं दिखने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास 10th के नंबर 60% 70% दिखने लग गए, वहां पे बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अगर 90% है, सबके आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कम है। तो क्लास 10th मार्क्स मैटर करते हैं, और क्लास 10th अगर हमें अच्छे से समझ में होती है ना, जो बोर्ड एग्जाम के दौरान समझ बहुत अच्छी हमारी कहीं ना कहीं बनती है, तो हमारी 11th ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी जाती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th 12th में आ तो जाते हैं, तो इनको बहुत ही बेसिक चीजें जैसे AP, GP, 12th का 11th का कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है, बेसिक कोऑर्डिनेट, बेसिक ट्राइंगल की, सर्कल की प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें बच्चों को नहीं आती यार 11th में। और अगर आप केवल ये भी जानते हो ना, आप बहुत आगे हो बच्चों से, बाकी बच्चों से, राइट। सो क्लास 10th के बोर्ड्स को तो हमें अच्छे से करना ही है, तो ये महीने तो मेरे हिसाब से उसमें जाएंगे। तो मेनली अपने पास ये वाला पीरियड ही बचता है जिसमें हमें जो करना है हम करेंगे। अप्रैल में तो आपकी कोचिंग शुरू हो जाएगी, और थोड़ा बहुत आप चिल मोड पे भी शायद रहोगे क्योंकि आपका बोर्ड जस्ट एंड हुआ है। और anyway, अगर आप अप्रैल में, ठीक है, कितना ही टाइम मिल जाएगा, सो आई डोंट काउंट दैट एज मच। ये जो 3 महीने 2.5 महीने है, इसमें आप जितनी अर्ली प्रेप कर सकते हो ना जेई की, उतना बढ़िया है। अब क्या करना है इस दौरान, तो मेरे हिसाब से देखो, 9th तो आपने पढ़ी हुई है, और 9th को भी रिवाइज करके कुछ खास मिलने नहीं वाले हैं। 10th आप पढ़ोगे यहाँ पे, और 12th 10th से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, तो क्या चीज बचती है, 11th। मेरे हिसाब से अगले 2.5 महीने के अंदर आप 11th का जितना ज्यादा पोर्शन कर पाओ ना, उतना बढ़िया है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेरे हिसाब से कोई एक बुक पकड़ लो, कोई एक सब्जेक्ट उठा लो, उसको आप पढ़ लो। तीनों का सजेशन भी देता हूं, अगर फिजिक्स पढ़नी है चुपचाप जाओ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एचयूएल में उठाओ, उसका मैकेनिक्स पोर्शन जितना कर सकते हो कर लो, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप एक डिसेंटली ब्राइट स्टूडेंट और एफर्ट लगाते हैं, ये पीरियड और ये पीरियड में मिला के आप एचयूएल का वॉल्यूम 1 का मैकेनिक्स का पूरा सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है, वो भी 11th में जाने से पहले। और अगर आपने ये कर लिया ना, आप बहुत बढ़िया एडवांटेजेस पोजीशन में आ जाओगे, क्योंकि 11th का सबसे स्ट्रगल वाला पोर्शन ही मैकेनिक्स होता है, ठीक है। और पूरी फिजिक्स के अंदर सबसे हार्ड मैकेनिक्स ही है, 12th भी उतनी हार्ड नहीं जितना मैकेनिक्स हार्ड है। और अगर आपको एक बार वो हेड स्टार्ट मिल गया ना, अच्छा प्लस एचसीएल में गया, मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी इन्वॉल्व है, तो आपकी 11th भी कहीं ना कहीं काफी हद तक क्लियर उससे हो रही है। तो आपको एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा अगर आपने एचसीएल में वॉल्यूम 1 लगा ली इस पीरियड, और इस पीरियड में काफी डुएबल है यार, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं बोल रहा हूं। 11th के कॉन्सेप्ट आते हैं, 10th के आपने पढ़े हुए हैं, और 10th और 11th की मैकेनिक्स में, सॉरी, मैकेनिक्स और 10th में कोई लेना देना नहीं है। 11th की मैकेनिक्स इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ क्लास 9 जो आपने पढ़ी हुई है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक थिंग टू डू। सेकेंड ऑप्शन जो मैं दूंगा, जो मेरे हिसाब से इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, वो है कि आप मैथमेटिक्स की क्लास 11th की एनसीईआरटी जितनी पढ़ पाओ उतना बढ़िया। इन दोनों पीरियड में मुझे लगता है आप इजीली खत्म कर सकते हो। ये अच्छा आइडिया क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी पढ़ भी लोगे वो जेई लेवल की होती नहीं है, एचसी वर्मा जेई लेवल की होती है, ठीक है। दूसरा कि इतना फायदा नहीं होगा, मतलब मैथ्स बच्चे समझ लेते 11th की, दिक्कत आती है बच्चों को फिजिक्स समझने में, तो वो आई थिंक एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। और तीसरा ऑप्शन है कि आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री 11th एनसीईआरटी अगेन, ठीक है। अब अगेन ये मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि केमिस्ट्री में काफी सारे पोर्शन ऐसे होते हैं जो टीचर समझाते हैं तो समझ में आते हैं जेई पर्सपेक्टिव से, और दूसरा केमिस्ट्री एक याद करने का सब्जेक्ट काफी हद तक ज्यादा है, सो यू विल हैव टू रीड थिंग्स अगेन,
तो भूल जाओगे, मतलब नहीं था। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आप एचसीएल में वॉल्यूम वन कर लें इन दोनों महीने में, सेकंड बेस्ट है आप 11th एनसीईआरटी कर लीजिए इन दोनों पीरियड में, ठीक है। वेरी 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 गुड स्ट्रेटजी आई हैव गिवन यू, फॉलो करोगे आप बहुत आगे रहोगे। मतलब आपको ऐसा बच्चा है ना जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है अर्ली जेई प्रेप या बहुत ही इनसिग्निफिकेंट जेई प्रेप किया है, ये एक चीज कर लोगे ना आप सच में यू विल बी माइल्स अहेड ऑफ एवरीवन एल्स। जस्ट डू दिस वन थिंग, एचसीएल में वॉल्यूम वन मैकेनिक्स इस पीरियड और इस पीरियड में, ठीक है। और आपको और एक बेटर रिसोर्स चाहिए तो आप मेरे J26 फाउंडेशन कोर्स में भी एनरोल हो सकते हो, जिसपे अभी डिस्काउंट चल रहा है कल रात तक, ठीक है। आज है 16 तारीख 17 नवंबर की रात तक उस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पेमेंट लिंक वहां पे मतलब फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, नेट बैंकिंग यूपीआई कार्ड जैसे करना पड़ सकते हैं और आपको ऑटोमेटिक कोर्स मिल जाएगा। उस एक कोर्स को आप पढ़ लेंगे ना आपका पूरा अच्छे से सब कुछ 9th 10th भी रिवाइज हो जाएगा, आपको 11th की भी कई सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी, टेस्ट विद कंप्लीट सॉल्यूशन, एवरीथिंग यू आर गिवन, प्रॉब्लम्स एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। अब मेरे पास तो क्या है उस समय तो था नहीं, उस समय ऑनलाइन वगैरह कुछ होता ही नहीं था तो मैं तो बुक्स पढ़ता था, तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हो, इसमें गुड रिसोर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत पढ़ो, लेकिन ये जो मैंने कोर्स बनाया ना आप समझिए कि ये एक ऐसे पर्सन ने बनाया है जो खुद एग्जाम निकाल चुका है, ठीक है। उसमें कुछ चीजें मैंने भी कवर की है और पूरा करिकुलम मैंने खुद ही डिजाइन किया है, तो मुझे पता है क्या आपको रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली, जो किसी ने नहीं किया इंडिया में अब तक। जो भी लोग बेच रहे ना कोर्सेज उन्होंने खुद कभी एग्जाम कुछ निकाले है नहीं, बस ऐसे कोर्स बनाते हैं 9th 10th के बच्चों को, चलो लेट थे। मेरा कोर्स काफी अफोर्डेबल भी है, अभी केवल 3000 में अवेलेबल है वो, आई थिंक अदरवाइज वो 10,000 8,000 ऐसा सेल होता है। तो इतनी कम प्राइस में एक बंदा जिसकी पूरी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में वो आपको मिल रहा है ना, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और आप 11th में जाओगे ना आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा यार, आप बहुत आगे बाकी बच्चों से। सो इफ यू इंटरेस्टेड गेट इन टिल टुमारो मिडनाइट, ठीक है। कल रात तक ये फिर मत बोलना कि अरे यार आप इतना महंगा ये बेचते हो वो बेचते हो, 3000 का बेच रहे अभी केवल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जाके आप ले सकते हो, कल रात तक ही है लेकिन, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक। और दो रिसोर्स मैंने बताया कौन कौन से, एचसीएल में वॉल्यूम वन और मैथ्स एनसीईआरटी 11th की, ठीक है, और कोर्स अपना। सो थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।